सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूर कुकुर
ಸವಿತ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಧರೆ ಕೋಮಾರಿ ರೂಪ ಸಂತಾನೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಚಾರ ಗೃಹೀತ ಪರಮಾಯುಧೆ ಪ್ರಸೀದ ವೈಷ್ಣವೀ ರೂಪ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಗೃಹೀತ ಮಹಾಚಕ್ರ ದಶಸುಂದರೆ ವರಾರೂಪಿಣಿ ಶಿವ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಿಸಿಂಗೇಣ್ಯಾಗ್ರೈಲಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಕಿರೀಟನಿ ಮಹಾವಜ್ರ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ವಲೆ ವೃತ್ರಪ್ರಾಣ ಹರೆ ಚಂದ್ರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶಿವದೂತಿ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಮಹಾಬಲೆ ಘೋರರೂಪೆ ಮಹಾರಾಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದಶಾಕರಾಳ ವದನೆ ಶಿರೋಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಣೆ ಚಾಮುಂಡೆ ಮುಂಡ ಮದನೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಭ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸುಧೆ ಧ್ರುವೆ ಮಹಾರಾತ್ರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮೇಘ ಸರಸ್ವತಿ ವರ ಭೂತಿ ಭವಿದಾಮಸಿ ನೀಶೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವೇಶ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಭಯವಸ್ತ್ರಹಿ ನೋ ದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಏತತ್ ವದನ ಸ್ವಾಮ್ಯಂ ಲೋಚನಾಶಯ ಭೂಷಿತ ಪಾತು ನಃ ಸರ್ವಭೀತಿಭ್ಯ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜ್ವಾಲಾಕರಾಳ ಮತ್ಯುಗ್ರ ಅಜಯದಾಸರಸೂದನ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಪಾತು ನೋ ದೀನ ಭದ್ರಕಾಳೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಹಿನಸ್ತಿ ದೈತ್ಯದೇಯಾಂಸಿ ಸ್ವನೇನ ಪೂರಿಯ ಜಗತ್ ಸಾಖಂಡ ಪಾದು ನೋ ದೇವಿ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ನ ಸುಧಾನಿವ ಅಸುರಾಸಂಗ ಜಲ ಶುಭಾಯ ಕರ್ಗೋ ಭವತು ಚಂಡಿಕೇತಾನತಾವಯ ರೋಗಾನ ಶೇಷಾನಪಹಾಂಸಿ ದುಷ್ಟ ಹೃಷ್ಟಾತು ಕಾಮಾನ ಸಕಲಾನಭೀಷ್ಟಾನ್ ಸ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ನ ವಿಪನ್ನರಾಣಾಂ ಸ್ವಾಮಾಶ್ರಿತಾಯ ಜಯತಾಂ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಏತತ್ ಕೃತಂ ಯತ್ ಕಥನಂ ದಯಾಧ್ಯ ಧರ್ಮಾನ್ ದ್ವಿಷಾಂ ದೇವಿ ಮಹಾಸುರಾಣಾಂ ರೂಪೇರನೇಕೇಯೌದಾತ್ಮಮೂರ್ತಿ ಕೃಷ್ಟ್ವಾಂಬಿಕೇತತ್ಪ್ರಕರೋದಿಗಾನ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಸು ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ವಿವೇಕದೀಪೆ ಶ್ವಾತ್ಯೇಷು ವಾಕ್ಯೇಷು ಜಗಾತ್ವದನ್ಯಾ ಮಮತ್ವಕರ್ತೇ ಮಹಾಂಧಕಾರೇ ಬಿಭ್ರಾಮಯತ್ಯೇ ವದತೀವ ವಿಶ್ವಂ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಯತ್ರೋಗ್ರವಿಷಾಕ್ಷಣಾಗ ಯತ್ರಾರಯೋದಸ್ಯ ಬಲಾನಿ ಯತ್ರ ದಾವಾನಲೋಯತ್ರ ದದಾತಿ ಮಧ್ಯೆ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಾತ್ವಂ ಪರಿಪಾತಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀತಾ ಪರಿಪಾತಿ ವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಿಕಾಧಾರಯತೆ ದಿವಿಶ್ವಂ ವಿಶ್ವೇಶವಂದ್ಯಾ ಭವತಿ ಭವಂತಿ ವಿಶ್ವಾಶಯಾಯೆ ದ್ವೈಭಕ್ತಿ ನಮ್ರಃ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಪರಿಪಾಲಯ ನಾರಿಧೀತೆ ನಿತ್ಯಂ ಯಥಾ ದುರ್ವಧಾ ಕರುಣೈವ ಸದ್ಯಃ ಪಾಪಾನಿ ಸರ್ವಜಗದಾ ದಶಮಂ ನಯಾಸು ಉತ್ಪಾತ ಪಾಗಯನಿತಾಶ್ಚ ಮಹಾಪಸರ್ಗಾನ್ ಪ್ರಕಟಾಣಾಂ ಪ್ರಸೀದತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾತಿಹಾರಿಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನಾಂ ವೀರ್ಯಲೋಕಾನಾಂ ವರದಾ ಭವ ದೇವ್ಯೋವಾಚ ವರದಾಂ ಸ್ವರ್ಗಣಾ ವರಂ ಜನ್ಮನ ಯಜ್ಜತ
कङ्गणध्वं रक्षामि जगतामुपकारकम् देवाहूतु सर्वाभाषा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याग्रेशरे एवमेव त्वया कायम् अस्मभिविनाशनम् देव्युवाच वैवस्यन्तरयताब्दे अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भानिशुम्भर्चेलाजा भक्तस्येते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरत्यतिरौद्रेण रूपेण विलयितले अवतीर्यानिष्यामि व्यक्तचित्तान् सुदानवान् भक्षयन्ताशतानुग्रा व्यक्तचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमापमा ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो या हरिष्यन्ति सततं रक्तदन्दिकाम् भूयक्षशवाशिक्या मना वृष्ट्या मनभते मुनिभि संस्तुता भूमा संभविष्यामि योनिया तदाशरेण नेत्राणाम् निरीक्षिष्यामि यन्मने कीर्तयिष्यन्ति मणिरा सदाक्षीमिति मान्दः करोमगिलम् लोकमात्मदेह समुद्भवे भविष्यामि सुराशाकेराभृष्टैः प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातम् तदा यास्याम्यहम् भवे सत्यवधिष्यामि दुर्गमाज्ञमहासुरम् दुर्गादेवीति विज्ञातम् धर्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहम् यदा भीमम् रूपम् वित्ता हिमाचले रक्षासि वक्षयिष्यामि मुनीनाम् दानकारणात् तदा मा मुनिया सर्वे शोषम् ध्यानम्रमोदया भीमादेवीति विख्यातम् धर्मे नाम भविष्यति जगाल्नाक्यस्य लोके महाभागम् करिष्यति तदाहम् रामरम् रूपम् कृत्वा सङ्गेय परम् त्रैलोक्यस्य दाताय वरिष्यामि महासुरम् ब्राह्मरीति च मां लोका तदा शोषन्ति सर्वतः इत्थम् यदा यदा वादा दानभोक्ता भविष्यति तदा तदावतीयाहम् करिष्याम्यरि संशया ओ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युत्तामसमप्रभा मृगपदे स्कन्धस्थितावेशना कन्या विकरवालकेटविलसत् हस्ताभिरासेविता हस्ते शक्रगदाधिकेटविशिकाश शापङ्गुणम् तर्जने विभ्रामणलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् गृहताम् भजे ॐ विद्युवाच एवि सवैषमानित्यम् दोषदेया समाहितः कस्याम् सकलाम् बाधाम् नाशयिष्यामि संशयाम् मधुकैलवनाशम् च महिषासुरघातनम् कीर्तिष्यन्ति हे तद्वद्वदम् शुम्भन शुम्भया
अष्टम्यां च चतुर्दश्यानवम्यां चैक जय ततः शोचं ये जैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् नास्ति चं दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतो न जापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चेष्टवियोजनम् शत्रुतो न वयं तस्य दस्यतो वा नरायतः नाशत्सानो योगा कदाचिन्तं भविष्यति तस्मान्मवेदन्माहात्यं परेदव्यं समाहिते श्लोकव्यं च जरा भक्त्या परं स्वस्य न हितात् उपसर्गान् शेषादो महामाहे समुद्भवान् तथा चेदमुत्पादमाहात्म्यं शमयेन् मम यत्रैतत्पच्यते सम्यग् नित्यमायतने मम सदा न तद्धि भोज्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने भूयायामग्निकाये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितं भोज्यायं शाप्यमे भज जानता जानता भावे बलि भोजान् तदा कृताम् प्रतिष्ठिष्याम्यहं नित्या वह्नि होमान् तदा कृताम् शरत्काले महाभूया क्रियते या च वार्षिके तस्यामैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वापादापि निर्मुक्त धनधान्य सुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसारेण भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयापमान् रिपुवा संक्षयं यान्ति कल्याणं च उपबध्यते नन्दने च कुलं पुंसमाहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदा दोषपणदर्शने ग्रहपीलादुजोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःसपनं च निरदृष्टं सुसपनमपयायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घालेनैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां परहानिकरं वरम् रक्षो भूतविशाचानां परनादेवनाशनम् सर्वं वदैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपे च गन्धदीपे तदोत्तमे विप्राणां भोजने होमे भोक्षदीये अहनिजम् अन्ये च वीरे भोगे प्रदाने वस्त्रे नियम् प्रीतिर्ने कृते सास्ते सकृ सुजयते श्रुते शुभं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्म दुश्चरित्य निवारणम् कस्मिन् सुदैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुमयो याच याच ब्रह्मर्षिभिकृता ब्रह्मणा च कृता दातु प्रयच्छन्ति शुभामते अरण्ये प्रान्तरे वा वेदावाग्ने परिवारितः दर्शविवाहृता शून्य गृहीतो वापि शत्रुभिः शृणव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राख्याकृत्येन जाग्रतवद्य वन्दगतापि वा आगूनितो वा भारेण सह पोते महानवे पदस्तु चापि शस्तेषु सङ्ग्रामे विशुदारणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यातिलोऽपि वा स्मरण्वैतज्जैतं नरोमज्जेतसङ्गरात् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य भो वैरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतज्जैतं मम ऋषिर्वाच यद्युक्ता सा भगवते चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत ते विदेवा निरातङ्गः स्वाधिकाराय धामरा यक्षभागमुजा सर्वे चक्रविनिहतारयः दैत्याशतेभ्यानेते शुम्भेरेवो यदि जगद्युद्धं स्वनेतन्मा प्रेतलविक्रमे
विषुम्नेज महावीर्य शिरः पातालमाययो एवं भगवती देवी सानित्यापि पुनापुनः सम्भूय कुरुते भूत जगतः परिपालनम् तन्मोयते विश्वम् वेद विश्वम् प्रसूयते साचारिता विज्ञानम् तुषारिद्धिम् यच्छति व्याप्तम् सकलम् ब्रह्मानमनियेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सर्वकाले महामारी देवसृष्टिर्भवत्रया स्थितिम् करोति भूतानाम् सर्वकाले सनातने भवकाले निरान्तरक्षे वृद्धि प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्षे विनाशायोपजायते तुषा सम्पूजिता पुष्टे धूपगन्धादिभिस्तदा ददाति वित्तम् पुत्राश्च मतिम् धर्मे गतिम् शुभा अथ शुद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीयापः शुभो भवेत् नाकवचम् नार्गला स्तोत्रम् कीलकम् नारहस्यकम् नासूक्तम् नापि ध्यानम् च नान्यासोनवाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठबलम् लभेत् अतिगुह्यतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयोनेव पार्वती मारणम् मोहनम् वश्यम् सम्भरोचाटनाधिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्य कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्यै ॐ यौं हौं क्लीं यौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्यै ज्वल अङ्गं जं वट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दने नमस्ते जवहारिण्ये नमस्ते महिषादिने नमस्ते शुम्भहंसे निशुम्भासुरघातिने याद्रगी महादेवि यमसिद्धिम् पुरुषमे ऐङ्गारि सृष्टिरूपाये लिङ्गारि परिवारिका क्लिङ्गारि कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाति लयकारि वरदायिनि नित्यम् नमस्ते मन्दरूपिणि धां धीं धूं धूजरे पत्नीम् भावीं भूवागधीश्वरी ग्रां ह्रीं ग्रों कालिका देवीम् स्वां श्रीं सोमे शुभं करोम् हुं हुं हुङ्गाररूपिण्यै जं 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 बनाधिनी ब्रां ह्रीं ब्रूं भैरवे वद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्गं जं तं तं पं यं जं ह्रीं धुं ऐं ह्रीं अं शं द्विजाघ्रं द्विजाघ्रं भ्रोरय स्रोतय भीतं गुरुगुरु स्वाहा पां ह्रीं भूं पार्वते पुना खां ह्रीं भोगे जरे तदा सप्तशदे देव्या मन्त्रसिद्धिम् प्रदर्शमे इदम् तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रयागति हे तवे भवत्तेनैव दातव्यम् गोपिकम् रक्ष पार्वती यत्तु कुञ्जिकया देवी हीनाम् सप्तशतिम् वदेत् नाथस्य जायते सिद्धि अरण्ये रोदनं यथा श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडे प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख
एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आपोद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्ये शिवेदानकन्दे नमस्ते जगद्व्यापिने नमस्ते जगदन्द्रपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीसाहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्तमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे अनाथश्च दीनश्च भृशनातुरश्च दयाचश्च भीतश्च वत्सश्च यन्तो त्वमेकागतिरते विस्तारकर्त्रे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जरे सङ्कटे राजगे प्रभाते त्वमेकागतिरते विस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे अपारे महादोस्तरे चन्द्रघोरे विपत्सागरे भजताम् देहभाजाम् त्वमेकागतिरते विनिस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डलोडलीला समश्चण्डिदागण्डलाजेशत्रुः त्वमेकागतिरविघ्नसन्दहरति नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे त्वमेकाकदाराधिता सत्यवादि ननेकाकिराकोधनाकोधनिष्ठा विरापिङ्गलातुजुमनाचनाडि नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे विमनारे सदा सर्वसिद्धि प्रदाते स्वरूपे विभूति सदा कालरात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि साहि दुर्गे शरणमधि दुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिरनुजवराणां व्याधिपीडितानां विपदि पावक भूषित वस्त्र जय
Hare Krishna.
नाथ क्षमा प्रार्थना अपराध संसारी निरंतर हरि आवाहनम् न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रेण क्रियाहेण भक्तिहेण सुरेश्वरि यत्पूजितं मया अपराधजलं धृत्वा जगदं वेति सोचरे यां गलिं समवापनादि नादां ब्रह्मादयाधुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्रातस्त्वा जगदं विगे वाली माता तेरी सदा जय जयकारा शेर वाली जीदा भोल सांचे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्त जान तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामनाओं को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। बिंदुम संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव हि ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से
उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी आप ही हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी, जयकारा शेरा वाली जी दा दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। स्वयं माता जी ने इन्हीं पद्म स्तोत्रों में जिनका आपने पाठ किया अपने महत्व को प्रकट करते हुए कहा हुआ है, ये भी स्तवेश माम नित्यम स्तोष्यते जा समाहिता तस्याहम सकलां बाधाम नाशयिष्याम्य संशयम। माता जी कह रही हैं कि जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय दूर कर दूंगी। विशेष रूप से मधु कैटुभ नाशम च महिषासुर घातनम कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत् वधम शुम्भ निशुम्भयोः। जो मधु कैटुभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुम्भ निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चेतसा शोष्यन्ति चैव जय भक्त्या मम महात्म्यम उत्तमम्। अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्तिपूर्व मेरे उत्तम महात्मा श्रवण करेंगे, ना तेषा दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्थान चावदा भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट व्योयनम। उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विषयों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शत्रु तो न भयम तस् दस्य तो न रायता न शस्त्रल तो गात कदाचित संभविष्यति। उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्व मेरे इस मात को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए, जो परम कल्याणकारक है। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जिस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती का सार निवारण मंत्र है, इसी प्रकार वेदों का सार गायत्री मंत्र है, और जिन्होंने इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप किया है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और माता जी कह रही हैं कि त्वाम आश्रिताणाम न विपन्नराणाम त्वाम आश्रिता जाश्रयताम प्रयान्ति, अर्थात जो भक्त आपकी शरण में गए हुए हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं, अर्थात वो दूसरों को उन पर इतनी कृपा हो जाती है कि आपकी शरण में गए हुए भक्तगण दूसरों पर कृपा करने वाले हो जाते हैं। इसी कथा को चरितार्थ करने के लिए वेद व्यास से श्रीमद देवी भागवत ने कह रहे हैं कि एक बार इंद्र भगवान ने अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए 15 वर्ष तक बारिश नहीं बरसाई, जिससे घोर अकाल पड़ गया। स्थिति जहाँ तक आ गई कि भूख से व्याकुल हुआ मनुष्य को खा जाता था। तभी सभी ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर के मन में ये विचार किया कि गौतम ऋषि का आश्रम जहाँ अभी भी सुभिक्ष है, वहाँ वर्षा होती है, वहाँ हमको चले जाना चाहिए। सभी ब्राह्मण सभी दिशाओं से होम सामग्री तथा गौधन लेकर के गौतम ऋषि के आश्रम में गए, जिनका गौतम जी ने विधिपूर्वक आदर सम्मान किया और अपने आप को धन्य माना कि उनके आश्रम में ब्राह्मण गण पधारे हैं। ब्राह्मणों ने अपनी सारी विपत्ति से गौतम जी को अवगत कराया। उस समय गौतम जी ने उनको अभयदान दिया और वह गायत्री माता से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, आप भक्तों का दुख दूर करने के लिए कल्प लता के समान हैं, आप वेद माता हैं, आप प्रातःकाल जो है बाल्यावस्था वाली हैं, रक्त वर्ण वाली हैं, इसी प्रकार जो मध्यान्ह में युवावस्था वाली है और सायंकाल में रक्त वर्ण वाली वृद्धावस्था में है, इन आए हुए ब्राह्मण पर कृपा करो। उस समय गायत्री माता जी प्रकट हुई और उन्होंने गौतम ऋषि को एक पूर्ण पात्र दिया और कहा कि इससे आपको सभी प्रकार की सामग्री जिस चीज की आप इच्छा करोगे वो प्राप्त होगी। ऐसा वरदान देकर माता जी अंतर्धान हो गई हैं और उस पूर्ण पात्र से सभी प्रकार की जो सामग्री निकली, अर्थात पर्वत के समान ढेर अन्न की राशि, जो होम सामग्री, वस्त्र आभूषण सभी जो प्राप्त हुए, जिसको गौतम ने सभी ब्राह्मणों को दिया, जिसको आभूषण पहन करके सभी ब्राह्मण तथा वो सभी जो है देवताओं की तरह प्रतीत होने लगे। उनके जश की जो ख्याति थी वो चारों ओर फैल गई और अन्य स्थानों से भी ब्राह्मण गण वहां पर आने लगे। 100 योजन वाला जो उनका आश्रम था वो विस्तृत हो गया और गौतम ऋषि जी उनका विधि पूर्वक पालन करने लगे। 12 वर्ष तक वो
उनके अपने पुत्रों की तरह उनको पालते रहे। उस समय इंद्र भगवान ने भी स्वर्ग में ये कहा कि इस समय जबकि घोर अकाल पड़ा हुआ है और हमको इस समय होम की आहुति नहीं प्राप्त हो सकती थी, परंतु गौतम ऋषि आश्रम से हमें होम की जो आहुति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार जो अपने पुत्रों की तरह वो पालन करते रहे। स्वयं नारद जी एक दिन अपनी महती नाम वीणा द्वारा गायन करते हुए गौतम ऋषि आश्रम में पधारे और उन्होंने ब्राह्मणों की सभा में बैठ करके ये यशगान किया कि वित्तासुर का वध करने वाले इंद्र भगवान आपकी प्रशंसा कर रहे थे। से फिर वो गायत्री सदन में गए, वहां उन्होंने देखा बाल्यावस्था में प्रातःकाल गायत्री देवी के दर्शन किए, इस प्रकार युवावस्था में मध्यान्ह काल में और रक्त वर्ण वाली जो कृष्ण वर्ण वाली विद्यावस्था में उनके दर्शन किए और तब वो अपने देवलोक लौट आए। उस समय जब ब्राह्मणों ने गौतम का जश गान सुना तो वो किस तरह किसी प्रकार मन में जो विचार करने लगे कि किसी न किसी प्रकार से हमको ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे गौतम का जश ना बढ़े। तब सुभिक्ष भी हो गया, वर्षा हुई, सभी ब्राह्मण धन्य हो गए, परंतु वो ईर्ष्यालु हो गए और उन्होंने माया द्वारा एक विद्ध गाय बनाई और जब वो गौतम जी की यज्ञशाला में जा रही थी तो गौतम जी ने हूं करके उसको रोका तो गाय गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई और सभी ब्राह्मण कहने लगे कि गौतम गौ हत्यारा है। ऋषि विचार करने की क्या बात है, जब समाधि अवस्था उन्हें देखा तो पाया कि ये सभी ब्राह्मणों की करतूत है। उस समय उन्हें रुद्र के समान कोप किया, उनके नेत्र रक्त वर्ण हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दिया कि आप वेदों को भूल जाओ, गायत्री मंत्र को भूल जाओ, दुर्गा माता की भक्ति से विमुख रहो, आप स्वाध्याय और प्रवचन से विमुख हो जाओ, आप तीर्थों को बेचने वाले हो जाओ। इस प्रकार का श्राप देख करके जब वो गायत्री स्थान में गए तो उन्होंने देखा कि गायत्री माता जी का मुख भी आश्चर्य जगत था और उन्होंने कहा गायत्री माता जी ने कि शाम को दिया जो दूध है वो विष के समान ही होता है, इसलिए ये विधाता का ऐसे ही विधि थी, आप शांत हो जाओ। परंतु गौतम जी द्वारा दिए गए श्राप से सभी जो ब्राह्मण थे वो वेदहीन हो गए, वेदों को भूल गए, गायत्री मंत्र को भूल गए। तब वो ऋषि की शरण में गए और कहा कि महाराज आप प्रसन्न हो जाओ, हमारी जो दुष्टता को क्षमा करो, भूल को क्षमा करो। गौतम ने कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप जो व्यर्थ नहीं हो सकता है, आप कृष्ण अवतार पर्यंत कुंभी पाक नरक में रहोगे, फिर आपका भूतल पर जन्म होगा कलयुग में, परंतु आप गायत्री मंत्र से भीन हो गए, वेदों से भीन हो गए, आपका तभी उद्धार होगा जब ही आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि विष्णु की भक्ति शिव की भक्ति नित्य नहीं है, केवल दुर्गा की भक्ति ही नित्य है। ऐसा वरदान देकर के जो गौतम ऋषि जी पुनः भक्ति में तत्पर हो गए। कहने का तात्पर्य यही है कि गौतम जी ने गायत्री माता की आराधना की और उन पर गायत्री माता इतनी कृपा हुई कि उन्होंने ब्राह्मणों पर भी कृपा की। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य एवं ज्ञान के वरदान से आयुक्त कर रही हैं। ये तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पाड़ी पार प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकदह प्रहलाद जी और सातवें महाराज जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति वहाँ शिव है, परंतु शिव बिन शक्ति बिना अधूरे हैं, क्योंकि शिव में जो एकार है यही शक्ति स्वरूप कुंडलनी है। यदि हम इस एकार को निकाल देते हैं तो शिव भी स्वयं शव रह जाते हैं, अर्थात केवल हम ही भक्ति नहीं देवता बिन शक्ति बिना अधूरे हैं। और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है, चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडा देवीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देवीचे सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जयकारा छेरा वाली जा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं जो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय कारा शेरां वाली जीदा मोल सचे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जय करा शेरा वाली दा ओ मंदरा दा नजारा ओ मैया तेरे मंदरा दा नजारा ओ मंदरा दा नजारा ओ मैया तेरे मंदरा दा नजारा ओ मंदरा दा नजारा ओ मैया तेरे मंदरा दा नजारा ओ मां तेरे मंदरा दा नजारा ओ मैया रानी तेरे मंदरा दा नजारा ओ तेरे मंदरा हाथ ऊपर डाकर बात करने हाजिर देंगे और वो क्या बोले मिलकर एक पैन बसी गई कोटरिया थारा कोटरिया तारा भैन बसी कोटरिया तारा कोटरिया तारा कोटरिया तारा कोटरिया तारा कोटरिया तारा नैना नाम प्यारा ओ नैना नाम प्यारा ओ मंदरा दा नजारा ओ मैया तेरे मंदरा दा नजारा नजारा ओ मैया रानी तेरे मंदरा दा नजारा ओ तेरे मंदरा दा नजारा मैया रानी तेरे मंदरा दा नजारा इक भैन बसी गई कांगड़े बाजारा इक भैन बसी गई कांगड़े बाजारा इक भैन बसी गई कांगड़े कांगड़े बजारा कांगड़े बजारा कांगड़े बजारा कांगड़े बजारा ज्वाला नाम प्यारा ओ ज्वाला नाम प्यारा ओ मंदरा दा नजारा ओ मैया तेरे मंदरा दा नजारा नजारा ओ तेरे मंदिर
तेरे मंदरा दा नजारा ओ तेरे मंदरा दा नजारा ओ मैया रानी तेरे मंदरा दा नजारा ओ इक पैन पसी गई जम्मू दिया तारा इक पैन पसी गई जम्मू दिया तारा इक पैन पसी गई जम्मू दिया तारा इक पैन पसी गई जम्मू जम्मू दिया तारा जम्मू दिया तारा जम्मू दिया तारा जम्मू दिया तारा काली नाम प्यारा ओ काली नाम प्यारा ओ तेरे मंदरा दा नजारा ओ मैया रानी तेरे मंदरा दा नजारा ओ तेरे मंदरा दा नजारा ओ मैया तेरे मंदरा दा नजारा तेरे मंदरा दा नजारा मैया रानी तेरे मंदरा दा नजारा ओ इक पैन बसी गई कटड़े दी तारा 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 जयकारा शेरावाली जी का सच्चे दरबार की जय। एक ध्यान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री यशपाल। जयकारा शेरावाली का सच्चे दरबार की जय। तुम ही हो माता पिता तुम पिता तुम्ही हो
Thank you.
दरबार की जय। एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री जयपाल। जयकारा शेरावाली राज सच्चे दरबार की जय। मैया जी मेरा की करदा, मैया जी मेरा की करदा, आहा मैया जी मेरा की करदा, मैया जी मेरा की करदा। तेरे दर दी खाक हो जावा, मैं तेरे दर दी खाक हो जावा, मैं चरणी लग के पाक हो जावा, मैया जी मेरा की करदा, मैया जी मेरा की करदा, आहा मैया जी मेरा की करदा, मैया जी मेरा की करदा, आहा मैया जी मेरा की करदा, मैया जी मेरा की करदा, आहा मैया जी मेरा की करदा, मैया जी मेरा की करदा। जन्म गवाए मैया जी तेरे दर्शन नू, मैं लखा ही जन्म गवाए मैया जी तेरे दर्शन नू, मैं मुड़ मुड़ जग विच आवा दाती जी तेरे परसन नू, मैं मुड़ मुड़ जग विच आवा दाती जी तेरे परसन नू, मैं लखा ही जन्म गवाए मैया जी तेरे दर्शन नू, मैं लखा ही जन्म गवाए दाती जी तेरे दर्शन नू, मैं मुड़ मुड़ जग विच आवा दाती जी तेरे परसन नू, मेरे नैना दी प्यास बुझा दे, ओ मेरे नैना दी प्यास बुझा दे, भवानी मैनू कैर तीज दी पा दे, मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा, आहा मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा। तेरे दर दी खाक हो जावा, मैं तेरे दर दी खाक हो जावा, मैं छड़ी लग के पाक हो जावा, मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा, आ मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा। जी फुल बन महकाम है, फुलवारी विच मैया जी फुल बन महकाम है, तेरे गुण गावा हर वेले पंछी बन चहकाम है, तेरे गुण गावा हर वेले पंछी बन चहकाम है, तेरी फुलवारी विच मैया जी फुल बन महकाम है, फुलवारी विच मैया जी फुल बन महकाम है, तेरे गुण गावा हर वेले पंछी बन चहकाम है, तेरे गुण गावा हर वेले पंछी बन चहकाम है, बन बदल द्वारे बस जावा, बन बदल द्वारे बस जावा, मैं मल मल तो तेरिया रावा, मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा, आहा मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा। तेरे दर दी खाक हो जावा, मैं तेरे दर दी खाक हो जावा, मैं चरणी लग के पाक हो जावा, मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा, आहा मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा, आहा मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा, आहा मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा। तेरी मेहर होवे महारानी किरण बन जावा मैं, तेरी मेहर होवे महारानी किरण बन जावा मैं, तेरे चरण छून कल्याणी मंदिर तेरे आवा मैं, तेरे चरण छून कल्याणी मंदिर तेरे आवा मैं, तेरी मेहर होवे महारानी किरण बन जावा मैं, तेरी मेहर होवे महारानी किरण बन जावा, तेरे चरण छून कल्याणी मंदिर तेरे तेरे मेरी ये हो बेनती दादी, मेरी ये हो बेनती दादी,
ਬਣਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚਰੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ 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 ਆਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਬੇੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰ ਬੇੜੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਕਰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਸ਼ਰਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਸ਼ਰਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਬੇੜੀ ਮੇਰੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਬੇੜੀ ਤੂੰ ਕਰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਸ਼ਰਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਕਰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰਹੇ ਜੋ ਸਮਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਔਰ ਰਹੇ ਜੋ ਸਮਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕਦੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਗਦੰਬਿਕੇ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਜਨ ਬ੍ਰਹਮ
ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर दे कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय।
तू दातिए असी मंगते तेरे मैया जी तेरे चरणा दे विच लग जाए विरती मेरी बस मैया जी तेरे चरणा दे लग जाए विनती तेरी बस मैया जी तेरे चरणा दे विच लग जाए विरती तेरी कोई पेट ले आई मैं मतवाली नाम तेरे दी मैनू होश ना आई मैं मतवाली नाम तेरे दी मैनू होश ना आई ओ मैं मतवाली नाम तेरे तेरे तू दाती है
मंगते तेरे कर ले सेवा कर्म कमाल कोई दमदा की परवासा जिंदे अज मोई कल मोई दमदा की परवासा जिंदे अज मोई कल मोई दमदा की परवासा ओ जपल नाम ते कर ले सेवा कर्म कमाल कोई दमदा की परवासा जिंदे अज मोई कल मोई दमदा की परवासा जिंदे अज मोई कल मोई बेले मर जाने अमाना कौन सुनू अर जोई उस बेले मर जाने अमाना कौन सुनू अर जोई जिस दिन चार कुहारा मोने जिस दिन चार कुहारा मोने चकलो चकलो जयकारा शेरां वाली दा सच्ची दरबार की जय ओम उद्यधानु सहस्र कांति मरुन क्षोमां चरो मालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जववटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जै धदतीं ते नेत्र विलस वक्त्रारविन्दस्यं देवीं बद्धिमांशुरत्नमुकुटा मन्देरविन्दसिता सच्या ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्याकालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। अब सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्दतान् पुनर्ब्रह्मानो वसुनीथ यज्ञे कृतेन तं तन्वं वर्धयस्य सत्याः सन्तु जरमानस्य कामः मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तु श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधा शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं
सत संवत्सरम दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। आपकी दीर्घ आयु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, अब धन धन से संपन्न हो, जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों, अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय जयकारा, शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता की आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर आरती लिखी हुई है, सभी बोलिएगा। ओम जय अम्बे गौरी कैया जय श्यामा गौरी कैया जय चार अति सोहित परमोत्तम
कोई नित गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरे हर शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय क्षमा करो अपराध चरण मा आया हूँ क्षमा करो अपराध चरण मा आया हूँ माता वैष्णो द्वार नशीष झुकाया माता वैष्णो द्वार नशीष झुकाया हूँ सब संकट तारे देवों के सब संकट तारे रक्त बीज मधु कैटभ मारे रक्त बीज मधु कैटभ मारे चुंबन चुंब असुर संहारे चुंबन चुंब असुर संहारे किया भक्त कल्याण चरण माया किया भक्त कल्याण चरण माया यौवन विषयों में भरमाया यौवन विषयों में भरमाया बूढ़ापन कुछ काम न आया बूढ़ापन कुछ काम न आया जीवन सफल बनाओ चरण माया जीवन सफल बनाओ चरण माया धन कुछ पास नहीं है विद्या धन कुछ पास नहीं है काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया नहीं बड़ा कुल धाम शरण माया धर्म मार्ग मुझको न सुहाते धर्म मार्ग मुझको न सुहाते मुझको भाते सदा कुमार मुझको भाते अनचंचल तेरा ध्यान न करता अनचंचल तेरा ध्यान न करता बड़ा जबल नादान चरण माया बड़ा जबल नादान चरण माया क्षमा करो अपराध चरण माया क्षमा करो अपराध चरण माया माता वैष्णो द्वार नशीष झुकाया माता वैष्णो द्वार नशीष झुकाया सतिया जोता वाली माता तेरी सदा कर शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे तत्पश्चात माता जी आरती होगी आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना प्रेम से बोलो जय माता दी रल मिल बोलो जय माता दी आहोय मिला जय माता दी संध्या मिला जय माता दी आरती मिला जय माता दी जय माता दी वीर दी जय माता दी लाल दी जय माता दी पानी सुनो जय माता दी उठी बोलो जय माता दी हाथी बोलो जय माता दी सारी बजाते जय माता दी गोटा वाली जय माता दी लाटा वाली जय माता दी तोलिया वाली जय माता दी दुनिया वाली जय माता दी चूड़िया वाली जय माता दी पहाड़ा वाली जय माता दी मंदरा वाली जय माता दी झंडिया वाली जय माता दी घंटिया वाली जय माता दी बारा वाली वाली जय माता दी शेरा वाली जय माता दी गोपा वाली जय माता दी हाथ वाली जय माता दी जग कल्याणी जय माता दी महारानी जय माता दी सिद्धि रानी जय माता दी वैष्णो देवी जय माता दी महाकाली जय माता दी
ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਲੱਖੀ ਮਈਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੋਲਾਇਆ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਹੰਸ ਸਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦੀ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਅੰਬੇ ਰਾਜਕ ਦੰਬੇ ਰਾਜਾ ਅੰਬੇ ਰਾਜਕ ਦੰਬੇ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਸਦਾ ਅਭੀ ਸਭੀ ਭਗਤਿਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨ ਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਂਗੇ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯ ਓਮ ਦੇਹੀ ਸੌਭਾਗਯਮ ਆਰੋਗਯ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਪਰਮਮ ਸੁਖਮ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਰੂਪਮ ਦੇਹੀ ਜਯਮ ਦੇਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਰਹੀ ਯਸ਼ੋ ਦੇਹੀ ਦਿਸ਼ੋ ਰਹੀ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੁ ਸੁਖਿਨਃ ਸਰਵੇ ਸੰਤੁ ਨਿਰਾਮਯਾਃ ਸਰਵੇ ਸੰਤੁ ਨਿਰਾਮਯਾਃ ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯਂਤੁ ਸਰਵੇ ਭਦ੍ਰਾਣਿ ਪਸ਼ਯਂਤੁ ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਃਖ ਭਾਗ ਭਵੇ ਮਾ ਕਸ਼ਚਿਤ ਦੁਃਖ ਭਾਗ ਭਵੇ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤਿ ਅਭੀ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਤੇ ਹੈ ਸਭੀ ਵਕਤ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਦੇਖੀਗਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਵੰਦਨਾ ਦੁਤੀਏ ਆਦ ਗਣੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਸਿਮਰਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ ਜੈ ਮਾਂ ਆਨੰਦੀ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਕਲਿਆਣੀ ਕਲਿਆਣ ਮੈਂ ਆਠ ਪੈਰ ਤੋਂ ਸੱਟ ਗੜੀ ਜੋ ਚਰਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੈ ਮਾਂ Thank you.
चक्रगदेषु चापपरिरां चोलं शुण्डिं शिरां शङ्खं कन्दधतिं सर्वाङ्गभूषामृतां नीलाशङ्कृतिमाद्यपाददशकां देवे महाकालिकां यामस्तु स्वभिदेहरो कमलयो हन्तं मधुकेतवम् अक्षस्रश्वरशृङ्गदेशपुरुषां परमं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमतिं च चर्मजलजं दण्डासुराभाजनं शूलं वाजसुदर्शने च धरते हस्ते प्रसन्नाजनां सेवे सेवमर्दनी महिमः लक्ष्मी सरो यस्तितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसने चक्रं धनुसायकम् श्वेताशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजनता आधारभूता महा पूर्वामस्तसरस्वती मन्वजे शुम्भादिदित्यादिने त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं जगदीशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यान् गम्यं वन्दे विष्णो भगवयोनं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं वले हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल माधवं किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोऽस्तु ते हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय पंच फुलारानी माता तेरी सदा ही जय सर्वत्रा बला करने वाली माता तेरी सदा ही जय सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा ही जय लुंगड़ा वीर ठाकुर तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का भारत वर भारत वर बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।